आज हम बात करेंगे मसल स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले कि मसल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग कुछ पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और पिक्चर को इंसर्ट नहीं करने से आपको पिक्चर समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, कल का जो क्लास था उससे ही हम शुरुआत करेंगे और उसी को एक्सटेंड करेंगे आज। सो पहले आप देखो स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरा की पूरी स्केलेटल मसल है। इस स्केलेटल मसल की एकदम अपर लेयर से शुरू करते हैं। अपर लेयर इज एपी माई लम, एकदम अपर लेयर, ये अपर लेयर इज एपी माई सियम, दूसरी यूनिट से इट इज द अपर मोस्ट। नाउ ये कवर करते हैं किसको, ये कवर अप करते हैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स, इसको मसल फाइबर की झुंड, मसल फाइबर्स की झुंड को, विच इज कॉल्ड एज मसल फैसिकल्स। मसल फैसिकल्स, फैसिकल मतलब दीज आर द बंच ऑफ द मसल फाइबर। अभी इस ब्लू या ब्लैक लाइन में आप देख सकते हो, दीज आर द बंच ऑफ द मसल फैसिकल्स। सो इट इज द बंच ऑफ मसल फाइबर्स, दिस इज द बंच ऑफ मसल फाइबर। अब आते हैं मसल फैसिकल्स। मसल फैसिकल्स की एक लेयर को देखो, ऊपर की साइड में एक डार्क कलर का लेयर है, उसको आप देख सकते हो, विच इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। फिर पेरीमाइसियम इसको कवर अप करते हैं, पेरीमाइसियम कवर अप करते हैं एंडोमाइसियम को कवर अप करते हैं। और एंडोमाइसियम किसको कवर करते हैं, ईच मसल फाइबर को कवर अप करते हैं, मसल फाइबर को कवर अप करते हैं। अब मसल फैसिकल या मसल फाइबर, मसल फैसिकल इज द बंच ऑफ द मसल फाइबर्स, लेकिन इसके ऊपर भी एक लेयर है, व्हाट इज पेरिमाइसियम, जो कवर अप करते हैं एंडोमाइसियम को। एंड एंडोमाइसियम किसको कवर करते हैं, सिंगल मसल फाइबर। अब अगर मसल फाइबर की बात करें, ये देखो, ये दिस इज द, यू कैन सी दिस इज द एक लेयर इन्होंने ब्लैक से दिखाया हुआ, राइट। सो ये कवर, अच्छा एंडोमाइसियम के ऊपर भी एक कवर अप, एंडोमाइसियम के ऊपर भी एक कवर अप, आप इसको देख सकते हो, ये कवर अप ब्लैक कलर का, इसके अंदर में बंच ऑफ मसल फाइबर। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट, अ मसल फाइबर्स। अब आते हैं मसल फाइबर, मसल फाइबर्स है, सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर, ये ऊपर का लेयर जो है मसल फाइबर्स के ऊपर का लेयर जो है इसको कहते हैं सार्कोलेम्मा। सो क्या कहते हैं, सार्कोलेम्मा। तो सार्कोलेम्मा को आ गए हैं, अब ये अंदरूनी स्ट्रक्चर देखिए, दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द माइटो कॉन्ड्रिया। इसको क्या कहेंगे, ये जो निकला हुआ है एक एक्स्ट्रा, दीज आर फाइब्रिल्स, कहेंगे फाइब्रिल्स, यू अंडरस्टैंड, क्या कहेंगे हम लोग, फाइब्रिल्स और मायोफाइब्रिल्स, दीज आर व्हाट कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स की बंच से लेके बना है मसल फाइबर, तो बंच ऑफ, बंच ऑफ मायो फाइब्रिल्स, बंच ऑफ मायो फाइब्रिल्स को लेके बना है मसल फाइबर्स। अब चलते हैं आगे की पिक्चर की तरफ। तब आगे की पिक्चर की तरफ अगर हम देखेंगे, इसी पिक्चर के आवाज, तब इसी पिक्चर में हम देखेंगे ये जो मसल फाइबर के ऊपर में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सारे स्ट्रक्चर ये कहते हैं न्यूक्लियस, दीज आर द न्यूक्लियस। अभी
बैंड पे नहीं आते, बैंड क्या है पहले पढ़ेंगे उसके बाद जानेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे ये मसल फाइबर है, इट इज दी बंडल ऑफ मसल सेल्स, मसल सेल्स जिसको कहते हैं मायोफाइबर, देखो ब्लैक से लिखा हुआ है, दिस इज दी बंडल ऑफ मसल सेल्स और इसको कहते हैं मायोफाइबर। नाउ इसी के अंदर देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है आपका जो क्या कहते हैं सारकोलेम्मा कहते हैं, जो मैंने बताया था देखो यहाँ पर इस तरह का लिखा हुआ है मायोफाइबर सारा है, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन ये पार्ट है, ये पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, पहले कुछ थ्योरी करेंगे उसके बाद। नाउ व्हाट इज दिस सारकोलेम्मा लाइक, वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ये सारकोलेम्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इसकी इक्विवेलेंट है, like one plasma membrane resulting from multiple fused muscle cells, ठीक है? So fused many muscle cells or myofibrils को लेके fuse करके बनेंगे muscle fiber, ठीक है? Muscle fiber। ये तो आपने structure समझ गए होंगे, ये तो हम लोग बताओ, ये आपने समझ गए होंगे। So नीचे से ऊपर तक करते हैं, myofibrils की bunch है क्या? Muscle fiber, muscle fiber का bunch हो गया muscle fascicles की bunch को लेके बना है मसल्स टिश्यूज, राइट, मसल टिश्यूज, और लेयर एक के बाद एक लेयर, पहला लेयर है ये है सारकोलेम्मा, क्या है सारकोलेम्मा, पहला लेयर सारकोलेम्मा, उसके ऊपर का लेयर क्या है एपीमाइसियम, एपीमाइसियम पावर कितने क्या है पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड सॉरी सारकोलेम्मा एंडोमाइसियम, सारकोलेम्मा पर एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम किसको कवर किया है, एंडोमाइसियम को कौन कवर किया है पेरीमाइसियम, पेरिमाइसियम को कौन कवर किया है एपीमाइसियम, मसल फाइबर्स, मसल फाइबर की बंच को लेके क्या बनता है स्केलेटल मसल्स और मसल टिश्यूज, ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आप इस पिक्चर को देखोगे वीडियो को बार बार देखोगे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। अब हम लोग कुछ थियोरी के बाद में आगे बढ़ेंगे और थियोरी करने के बाद ये स्केलेटल मसल्स की ये जोन पे हम लोग आएंगे, ठीक है, ये क्या है ये सारे जोन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये थियोरी करने के बाद। तो चलते हैं आज स्ट्रक्चर पे और स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, नाउ वी विल कॉल इट इज स्ट्रक्चर ऑफ द मसल, मसल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे कि जरा सा माइक्रो, हम तो जानते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है मायोफाइब्रिल, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक क्या है माइक्रोस्कोपिक मसल फाइबर और माइक्रोस्कोपिक मसल सेल्स इट इज कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल, नाउ मायोफाइब्रिल कंटेन्स सम बैंड्स, जैसे रिस्ट बैंड होते हैं। नाउ ये बैंड क्या है, बैंड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सेक्शन और सेगमेंट्स, सेगमेंट्स और सेक्शन एज इन डिस्क, कोई भी आप डिस्क देखो, हार्ड डिस्क देखो, कोई भी आप डिस्क को आपका इमेजिन करो इलेक्ट्रॉनिकली, उसकी जो सेगमेंट एंड सेक्शंस होते हैं उसको कहते हैं बैंड्स, बैंड्स। नाउ बैंड्स इज ऑफ टू टाइप्स, बैंड्स है टू टाइप्स, वन इट इज कॉल्ड एज लाइट बैंड एंड सेकेंड इट इज कॉल्ड एज डार्क बैंड, एक लाइट बैंड है एक डार्क बैंड,
लाइट बैंड को कहते हैं आई बैंड, लाइट बैंड इज कॉल्ड आई बैंड एंड डार्क बैंड इज कॉल्ड एज ए बैंड। नाउ इसको और भी थोड़ा सा डिटेल में हम समझें। नाउ व्हाट इज दिस आई बैंड एक्चुअली, व्हाई इट इज कॉल्ड एज आई बैंड एंड व्हाट दिस आई बैंड इज देयर। आई बैंड इससे होता क्या है, इफ लाइट स्पेशली पोलराइज लाइट पासेस थ्रू दिस मसल फाइबर, थ्रू दिस एरिया, बैंड इज अ सेगमेंट, बैंड इज अ सेगमेंट, थ्रू दिस एरिया of muscle fibers so they are detected at the same angle, they are refracted at the same angle. Now, if the light is passing through the area of the muscle fiber, then they will be refracted at the same angle. Therefore, they are called isotropy. What they are called? Isotropy. Important. They are called as isotropy. So this is actually called as I band. Now, then what is this A band? What is the A band in? Same thing. If light which is polarized, everything will keep light fast through this area of muscle fiber, they are refracted at different angles, is gonna be different at different angle bolo, is gonna be thoda change karte the direction, different direction, okay? So at different directions, so they are called as dark band, therefore they, that is A band, are called as anisotropic. What they are called as anisotropic. They are called as anisotropic. So that is the A band and the I band. They are the different segment of the myofibrils where the light is being refracted. One it is in the same direction, another it is in the different direction. They are I and A are placed, picture can be taken, are placed side by side, bagal bagal, okay. Now, there will be another zone, it is A to band only, there will be another zone to be placed over here. Now, another zone means what? Narrow, lighter zone. Present. इसमें middle of the A band. देखो ये तो A band क्या है कि एक dark band है, तो इसे लिखते हैं present. Present at the middle of A band.
एक तो ए बैंड जो है दागदार बैंड है, लेकिन इसी बैंड का बीचों बीच में एक नैरो लाइटर जोन प्रेजेंट है और इसको कहते हैं कॉल्ड एज जोन। इसको क्या कहते हैं? एज जोन कहते हैं, ठीक है। फिर एज जोन के मिडिल में, एज जोन के मिडिल में, ये सारे मिडिल पार्ट ऑफ द एज जोन, मिडिल पार्ट ऑफ एज जोन इज कॉल्ड एम लाइन। मिडिल पार्ट ऑफ द एज जोन इज कॉल्ड एज एम लाइन। सिर्फ यही नहीं, ये तो ए बैंड के ऊपर हो गया, ये ए बैंड के ऊपर हो गया, सो हम लिखेंगे ओवर ए बैंड। अब आएंगे ओवर आई बैंड, आई बैंड के ऊपर भी कुछ इस तरह का जोन है। आई बैंड के ऊपर का जो जोन है, इट इज आई बैंड इज डिवाइडेड इन टू नैरो लाइन। आई बैंड इज डिवाइडेड इन टू नैरो लाइन, इसको कहते हैं जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन ये जर्मन साइंटिस्ट के नाम से आया है, इसके नाम उन्होंने इसके डिस्कवर किया था। नाम और ही कितने टाइप का है उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन इतना वो आते भी नहीं है एग्जाम में इसको। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दीज थिंग्स। नाउ ये जो बिटवीन द टू जेड लाइन, अच्छा इसको लिखेंगे एरिया, बिटवीन टू जेड लाइन, एरिया बिटवीन द टू जेड लाइन, इसको कहते हैं क्या? सार्कोमियर। सार्कोमेयर। नाउ दिस सार्कोमेयर इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्केलेटल मसल्स और मूवमेंट ऑफ बॉडी। इट इज बिटवीन द टू जेड लाइन, इट इज द स्ट्रक्चरल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit, it is the structural and functional unit of skeletal muscle. Clear cut dikh raha hu, dono z line ke beech ki area ko kehte hain sarcomere। ye sarcomere is the structural and functional unit of the muscle, theek hai, samjha gaya? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मायोफाइब्रिल में बहुत सारे सार्कोमियर हो सकते हैं, देयरफॉर कंक्लूजन क्या आ रहा है? मेनी सार्कोमियर इन मायोफाइब्रिल। मिस टू फास्ट। मेनी सार्कोमियर मायोफाइब्रिल में है, दे आर अरेंज्ड इन सीरीज, ये सीरीज में है। पिक्चर को अभी देखेंगे, अभी तो थ्री सीरीज, अभी तो इसको हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं कि आई बैंड और ए बैंड के बारे में और भी थोड़ा सा बात कर लें एक दो मिनट, उसके बाद पिक्चर देखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा। देखो जेड बैंड जो है, जेड बैंड इज अ जिग जैग लाइन। जेड बैंड नाम कहां से आया? जेड बैंड जो नाम आया, यू मिस कैन यू प्लीज रिपीट अगेन दैट प्रोजेक्ट कॉपी वन, प्रोजेक्ट कॉपी वन कैन प्लीज टेल व्हाट व्हाट इज दैट कॉपी ड्यू टू इट्स यू हैव टू बाय फ्रॉम आउटसाइड।
Satan is due to its zig zag line. ठीक है, इसका और एक नाम भी है zig zag line. जेड बैंड का एक और नाम है, किसी बुक में आपको मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा. और ये मैं आपको बताता हूँ, ये जिपमा का क्वेश्चन, ये जिपमा का क्वेश्चन है, ये किसी भी बुक में आपको जल्दी से नहीं मिलेगा. जेड बैंड ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउस मेम्ब्रेन, क्राउस मेम्ब्रेन. ठीक है, इसको क्राउस मेम्ब्रेन भी कहते हैं. अब एक जिम्मा का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, एक और क्वेश्चन बता देता हूं. सार्कोमियर के अंदर में, सार्कोमियर आई बैंड एंड ए बैंड, ये तो सबको जानता है, आई बैंड एंड ए बैंड. किसी भी जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पूछो सार्कोमियर में क्या रहता है, आई बैंड ए बैंड. ठीक है, आई बैंड के बीच में क्या रहता है, उस बीच में क्या रहता है, जेड बैंड रहते हैं, ए बैंड के बीच में क्या रहता है, एच जो है और एम लाइन रहते हैं. तो हम बताएंगे आई बैंड क्या रहते हैं, जेड बैंड रहते हैं आई बैंड, और ए बैंड में क्या रहता है, एच जोन एंड एम लाइन. ये कोई भी बच्चा जानता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन है कितने अंडर रहते हैं एक सार्कोमियर का लेंथ, वन सार्कोमियर लेंथ, सो वन लेंथ ऑफ सार्कोमियर इन वन यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ ले लेते हैं सार्कोमियर का, यूनिट लेंथ ऑफ सार्कोमियर में कितने आई बैंड रहेंगे, इसमें रहेंगे दो आई बैंड, टू आई बैंड, टू नंबर्स, दो नंबर, दो आई बैंड रहेंगे. और ए बैंड कितना रहेगा, ए बैंड रहेगा ओनली वन नंबर. देखो हमने पिक्चर से प्रूव कर दिया, अगर पिक्चर को गौर से देखोगे तो आप बता पाओगे, ये कोई यानी कि सिस्टम की बाहर या सिलेबस की बाहर की क्वेश्चन नहीं, ये है आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन कि आप कितने ऑब्जर्व करने पड़े. तो मैंने आपको याद कर दिया कि अभी देखिए मैं आपको इस चीजों को प्रूव करके आपको बता दूं. ये देखिए यहां पर ही हमने क्या बताया कि देखो आई बैंड इज डिवाइडेड इन टू नैरो लाइन, जेड लाइन. आई बैंड दो पार्ट में डिवाइड, दो नैरो लाइन डिवाइड होगी, जेड लाइन तो दो हो गया, क्योंकि दोनों साइड में इसकी आई बैंड है, दोनों साइड में इसकी आई बैंड. एरिया बिटवीन दी टू जेड लाइन, यहाँ पर और भी क्लियर लिखा हुआ है, एरिया बिटवीन द टू जेड लाइन, इसका मतलब एक एंड में एक जेड लाइन होगा, दूसरे एंड में दूसरा जेड लाइन होगा. अब आते हैं पिक्चर, पिक्चर पे मैनुअल विल बी गिवन, ये आपकी सार्कोमियर, पहला पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ सार्कोमियर का पोजीशन, ये सार्कोमियर. सार्कोमियर में ये जो पार्ट है ये आप देखो, ये जो पार्ट देखो, दिस इज दी आई बैंड, ये आपकी जेड लाइंस हो गया, ये आपकी जेड लाइंस हो गया. आप बिटवीन द जेड लाइंस, क्वेश्चन क्या था, बिटवीन द सार्कोमियर कितना आई बैंड, इस जेड लाइन और इस जेड लाइन, ये दोनों जेड लाइन के बीच में ये एक आई बैंड एंड ये एक आई बैंड. अभी नाम पे मत जाओ, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन ये सब मत करो, अब आप बैंड को देखो, ये एक आई बैंड, ये एक आई बैंड, दोनों आई बैंड हो गए. अब ये है आपकी डार्कर रीजन, ये आपका डार्कर रीजन हो गया, दीज आर द ए बैंड, ए बैंड्स हो गए. इन ए बैंड का मिडिल पोजीशन जो है, जहां पर ही आई बैंड खत्म होते, जहां पर ही आई बैंड खत्म होते, उस मिडिल पोजीशन ऑफ द ए बैंड. सो हम यहां लिखेंगे मिडिल पोजीशन ऑफ ए बैंड वेयर I band ends, जिस जगह पे I band खत्म होते हैं, इसकी ये जो मिडिल पोजीशन है, इस जगह को कहेंगे H zone. H zone का भी एक सेंटर पोजीशन है, this is the center position. क्या पोजीशन है, सेंटर पोजीशन, क्या पोजीशन है, सेंटर पोजीशन ऑफ the H zone. इसको कहते हैं M line. क्या कहते हैं इसको, M line. तो आप देख रहे हो ये है A band आपकी, इस जगह यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ए बैंड है, यानी कि डार्क बैंड है. डार्क बैंड में भी एक नैरो लाइट जोन है, एग्जैक्टली जहां पर ए बैंड खत्म होते हैं उसी जगह पे ये नैरो लाइट जोन होते हैं, उसको कहते हैं एच जोन. आगे चलिए नेक्स्ट फीचर में बात करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट फीचर में बात करते हैं. ये फीचर में आप देखिए सेम है, कोई अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा
ब्लैक कलर में दिखाया गया है। ये इसका जेड लाइन है, दिस इज दी मिस नो कॉपी गिवन ऑन लास्ट आई बैंड, लास्ट आई बैंड, उसके बाद जेड लाइन, उसके बाद फिर आई बैंड, उसके बाद फिर जेड लाइन, उसके बाद नेक्स्ट आई बैंड, ये हो गया आपका नेक्स्ट आई बैंड, ये इसकी लास्ट आई बैंड था, और दोनों जेड लाइन के बीच में आपके ये डार्क जोन है। तो देखो डार्क जोन है तो कितना आई बैंड, आई बैंड हो गया, तो यहाँ पर एक आई बैंड, यहाँ पर एक आई बैंड, ठीक है, दो आई बैंड हो गया। एम बैंड, ए बैंड कितना है, डार्क जोन एक, ये एक ही है, एक नंबर, ओनली वन, ठीक है। अब इनके बीच में ये जहां पर आई बैंड खत्म होते हैं, इसका जोन क्या है, एच जोन, उसकी सेंटर पॉइंट का क्या नाम है, एम लाइन। क्लियर, पिक्चर क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अब आते हैं एक, हाँ, एक और पिक्चर, एक समय भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्या होगा। जेड लाइन है, ये जेड लाइन टू जेड लाइन क्या कहते हैं, सार्कोमियर, दिस इज दी फंक्शनल यूनिट, ये भी एक सार्कोमियर, इस तरह का और भी सार्कोमियर है, बहुत सारे सार्कोमियर, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो आई बैंड है, आई बैंड जो है ये थिन फिलामेंट है, आई बैंड आप जानते हो थिन है, लाइट कलर का है, ये थिन फिलामेंट है, इसका नाम है एक्टिन, और ये जो डार्क बैंड का फिलामेंट है ये थिक फिलामेंट है, इसका नाम है मायोसिन। सो आई बैंड फिलामेंट क्या लिखेंगे, आई बैंड फिलामेंट, आई बैंड फिलामेंट ये लाइट है, इसका नाम है एक्टिन, क्या नाम है एक्टिन, और डार्क ए बैंड, ए बैंड की फिलामेंट जो कि डार्क है वो उसका नाम है क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, हेलो, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद की हम लोग अगर ये समझ गए तो एकदम पानी की तरह हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, जैसे पानी में मछली तैरते हैं उसी तरह से हम भी इसमें तैर जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यू अंडरस्टैंड। सिर्फ ये थ्योरी को पहले समझ लो, पिक्चर को पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग इसकी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, थिक फिलामेंट की डिटेल क्या है, थिन फिलामेंट की डिटेल क्या है, क्रॉस मेम्ब्रेन को मैंने बताई दिया आपको कितने बार ऑफ, ये जो रिम में कितना लिखा हुआ है ना, ये सारे नीट और जिपमार के लिए तैयार कर ले। ये अभी तो जैसे नीट जिपमार एक ही हो गया है, आईपीएमटी सब एक ही हो गया है, ये एक बहुत ही अच्छा मेटेरियल है रेड वाला। अब हम लोग बात करेंगे थिक फिलामेंट क्या है और थिन फिलामेंट में, ठीक है बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन थिक फिलामेंट को पहले जानना जरूरी है। लेकिन आज का क्लास में तो थिक फिलामेंट होगा नहीं, तो हम क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं और दो मिनट में क्लास खत्म भी हो जाएगा। सेकेंड हाफ में मिलते हैं और हम लोग बात करेंगे सेकेंड हाफ में कि हमारा थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ये सारी कुछ चीज को लेकर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Okay, Mr.